राजधानी रायपुर में पुरानी रंजिश को लेकर धारदार चाकू से वार कर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। प्रार्थी धनराज राजपूत ने थाना गुड़ियारी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह पहाड़ी पारा गुड़ियारी में रहता है। वहीं 24 सितंबर को प्रार्थी का बड़ा भाई खून से लथपथ होकर घर में आया, जिसे देखकर परिजन अचानक परेशान हो गए और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। आपको बता दें कि बड़े भाई सोनू राजपूत ने बताया कि कचरा चौक पास सोनू जंखेल नामक व्यक्ति ने उसे पुराने विवाद को लेकर उसकी हत्या करने की नियत से अपने पास रखे चाकू से सीने और गले में वार कर गंभीर चोट पहुंचाई है और आरोपी फरार हो गया, जिस पर आरोपी सोनू जंखेल के विरुद्ध थाना गुड़ियारी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए घटना में संलिप्त आरोपी सोनू जंखेल के छिपने के हर संभावित ठिकानों पर लगातार कार्रवाई कर पकड़ा गया। घटना के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी सोनू जंघेल ने पुराने विवाद को लेकर उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया। थाना गुड़ियारी में कल जो है चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिस पर धारा 307 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। उसमें जो आरोपी सोनू जंघेल है वो फरार चल रहा था। आज सुबह सुबह उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसे जो है न्याय के मार्ग पर जेल में। सोनू जंघेल और सोनू राजपूत जो प्रार्थी है जो आपस में दोस्त हैं, पुराना उनका कुछ विवाद था, उसी को लेकर उनके बीच में बहस हो गई थी, उसी में चालू हुआ।